आपने बहुत से लोगों के मुंह से ये कहानियाँ सुनी होंगी कि उन्होंने भूत प्रेतों और आत्माओं को देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि वो उन्हें महसूस कर सकते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनसे बातचीत करने का भी दावा करते हैं। एक ऐसे ही कपल का दावा है कि वो अपना घर भूत प्रेतों के साथ शेयर करते हैं। वे उनके घर में आकर चिल करते हैं और साथ सोते भी हैं। मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक 59 साल की महिला जेन ड्रू का कहना है कि उसके घर में उसके तमाम रिलेटिव्स की आत्माएं रहती है। वहीं उसके पति के भी रिश्तेदारों की आत्माएं घर में आराम से आती जाती रहती हैं। वैसे तो ये उन्हें तंग नहीं करती है, लेकिन कई बार वो उनका वहाँ होना महसूस कर सकते हैं। ब्रिटेन के वेल्स में रहने वाले इस कपल की कहानी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इनका भूत प्रेतों से काफी गहरा रिश्ता है। जेन के पति डेविड पिछले 50 साल के साइकिक मीडियम के तौर पर काम कर रहे हैं, यानी वो आत्माओं को देख सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। उनके मुताबिक कपल जिस घर में रहता है वहाँ जेन की माँ और दादी की आत्मा रहती है, जो लिविंग रूम में अक्सर सोफे पर बैठी रहती है। वहीं डेविड ने कई बार उनके पिता को भी घर में देखा है। डेविड जब 3 साल के थे तब से ही वे आत्माओं को महसूस कर लेते थे। 1979 में अपनी माँ के मौत के बाद उन्होंने उन्हें एक बार देखा था। जेन बताती हैं कि कई बार बिस्तर पर होने के दौरान वो महसूस करती हैं कि वहाँ कोई लेटा हुआ है। गद्दा उसी तरह से दबा हुआ होता है जैसा किसी के लेटने से होता है। कई बार जेन अपनी माँ के थपथपाने को महसूस कर चुकी है, तो कई बार उन्होंने चीजों के भी इधर उधर होते देखा है। उनकी मुलाकात डेविड से एक शो के दौरान हुई थी और फिर दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए। डेविड स्पिरिचुअल हेल्पर के तौर पर काम करते थे और जेन ने हमेशा इसमें उनका साथ दिया।